रेडी। और एक और शिकस्त पाकिस्तान वुमेन्स टीम के दामन को दागदार कर गई, और ये शिकस्त जो है वो होम ग्राउंड पे थी, जहाँ पे कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम एडवांटेज होगा, लेकिन किसी किस्म का एडवांटेज नहीं, टोटल डिसएडवांटेज रहा, और रहना भी है। जब नीयतें साफ ना हों तो फिर नतायज ऐसे ही आते हैं। टीम में ऐसी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनकी पोजीशन जो है वो जस्टिफाई नहीं होती। डियाना बेग को देख लें, उनके क्या स्कोर्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस है आखिरी मैचेस में। सिद्रा नवाज़ को देखें कि आप उसको विकेट कीपर कैरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप T20 की बात करें तो उनका हाईएस्ट स्कोर 13 रन्स है। कोल्स जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हेड कोच हैं वो कहते हैं कि वो बेहतरीन विकेट कीपर हैं। इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको बेहतरीन विकेट कीपर नहीं चाहिए होता, आपको वो खिलाड़ी चाहिए होता है जो कीपिंग के साथ साथ एड रन्स भी ऐड कर सके। तमाम क्रिकेट में देख लें, हर जगह कोई स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स का जो विकेट कीपर का ज़माना गुजर चुका है। तो इस तरीके से अगर मामला होगा, जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादती की, मुनीबा अली को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या परफॉर्मेंस थी कायनात इम्तियाज, लास्ट 6 मंथ से वो क्रिकेट ही नहीं खेल रही इंटरनेशनल, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं, डियाना बेग उनकी परफॉर्मेंस नहीं, आपको क्यों नहीं याद आई कि रामेन शमीम जो है वो आपके लिए रन्स बना रही हैं। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस हम करें तो जवेरिया रऊ जो है वो लंबी हिट्स भी खेलती हैं, स्लॉग्स भी कर लेती हैं, सारी कर लेती हैं। आपने उनको टीम में ऐड नहीं किया, आपने उन लड़कियों को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दी। आयशा जफर मेगावेंट में आई थी, क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो इस तरह अगर आप जो है वो पसंद नापसंद पे एक ग्रुप को लड़कियां कुछ पसंद है उनको टीम में ऐड करेंगे तो नतायज जो है वो इसी तरीके से आएंगे।